गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि इस साल के जो नोबेल प्राइसेस जो हैं वो डिक्लेयर जो हैं वो हो चुके हैं। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में हमारी जो ये वाली जो क्लास होगी ये होगी नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2023 के बारे में। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जो है वो 2023 का वो जो है वो दिया गया है जॉन फॉस को फॉर हिज इनोवेटिव प्ले एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेएबल। उसी से रिलेटेड जो हमारे इंडिया से रिलेटेड जो है नोबेल प्राइज जो है लिटरेचर में 1913 में जो रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो उनको मिला था बिकॉज ऑफ हिज प्रोफाउंडली सेंसिटिव फ्रेश एंड ब्यूटीफुल वर्सेस। तो उन्होंने वो जो है वर्सेस जो है अपने कंज्यूमेबल स्किल्स की मदद से उन्होंने जो है पोएटिक थॉट जो है वो लिखा था और उनको अपने इंग्लिश वर्ड्स में जो है उन्होंने एक्सप्रेस किया था। तो जिस वजह से रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनको 1913 में जो है ये अवार्ड जो है वो दिया गया था, नोबेल प्राइज जो है वो उनको दिया गया था। तो ये जो है ये आपके रॉन फॉस हैं, ये आप देख सकते हो। अब देखते हैं कौन है जो रॉन फॉस जिनको ये अवार्ड जो है ये दिया गया। ये बेसिकली नॉर्वियन ऑथर है और ड्रामेटिस्ट है, ये ड्रामास जो है वो भी लिखते हैं। ही राइट्स इन नॉर्वियन नायरॉक्स। तो नॉर्वियन नायरॉक्स जो है उसमें ये लिखते हैं जो कि एक लेस कॉमन है टू ऑफिशियल वर्जन ऑफ नॉर्वियन लैंग्वेज का। जॉन फॉस इज सेलिब्रेटेड फॉर हिज राइटिंग। इनका एक डिस्टिंक्ट राइटिंग स्टाइल है जिसको कहा जाता है फॉस मिनिमलिज्म। तो जैसा कि फॉस ये जो है नाम जो है ये सजेस्ट करता है, ये बहुत ही जो इनके जो सेंटेंसेस जो होते हैं, इनका स्टाइल जो होता है उसमें काफी सिंपल मिनिमल और सेयरिंग डायलॉग जो है वो होते हैं और ये बेसिकली कंपैरिजन जो है वो ड्रॉ करते हैं लिटरेरी जाइंट्स के बीच में। फॉर एग्जांपल जैसे सैमुअल बेकेट हो गए या हैरोल्ड पिंटर जो है वो हो गए, दोनों को जो है पहले नोबेल प्राइज जो है लिटरेचर में मिल चुका है। तो ये उन दोनों को कंपेयर जो है उनके उनकी लिटरेचर जो है उनको कंपेयर जो है वो करते हैं। इनके थीम्स जो है वो बेस्ड होते हैं एक्सप्लोर द एब्सर्डिटी, उसके ऊपर जो है ये थीम जो है ये अब्सर्डिटी जैसे टॉपिक जो हो गए उनके ऊपर जो है वो लिखते हैं। उसके अलावा फ्यूलिटी एंड येट द पावर ऑफ ह्यूमन कंडीशंस, ऐसे इनके जो है थीम्स जो होते हैं इनके नॉवेल्स के या इनकी राइटिंग्स के। उसके अलावा जो एवरीडे कंफ्यूजन जो होती हैं उनके ऊपर लिखते हैं या फिर इररेजोल्यूशन जो होते हैं उनके ऊपर लिखते हैं। एंड द डिफिकल्टी ऑफ फॉर्मिंग एक्चुअल कनेक्शन, तो जहां पे एक्चुअल कनेक्शन जो है वो नहीं बन रहे होते तो ये जो है अपनी सिंपल सेंटेंसेस या मिनिमल जो सेंटेंसेस जो होते हैं उनकी मदद से ये जो है उन कनेक्शंस को जो है कंपैरिजन करके उन कनेक्शंस को जो है एक्चुअल कनेक्शंस जो है ये बिठाते हैं। तो ये इनका राइटिंग स्टाइल है। उसके अलावा इन्होंने जो इनके नोटेबल वर्क्स जो है वो देख लेते हैं। अ न्यू नेम सेप्टोलॉजी 6th एंड 7th, तो ये जो है ये इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं। उसके अलावा आई एम द विंड, मेलनकॉली, बोट हाउस एंड द डेड डॉग्स, तो ये कुछ इनके नोटेबल वर्क्स हैं। उसके अलावा जो अब से पिछले कुछ सालों में जो नोबेल लॉटरेट जो है उनके बारे में देखते लॉरिएट्स जो है नोबेल लॉरिएट्स उनके बारे में देख लेते हैं। तो 2022 में जो अवार्ड जो है वो दिया गया था एनी अर्नॉक्स को, 2021 में ये अवार्ड जो है वो दिया गया था अब्दुल रजाक गुरनाक को, 2020 में ये अवार्ड जो है वो दिया गया था लुई ग्लुक को। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।